हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, फाइनली आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एक और नया चैप्टर जिसका नाम है आइसोमेरिन। जैसा कि मैंने कल ही पोस्ट की थी और मैंने पोस्ट में आपसे पूछा था कि बताइए आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो मैक्सिमम बच्चों ने अप्रोक्स यहाँ पर 70% बच्चों ने सेलेक्ट किया था आइसोमेरिन को। इसीलिए मैं आज यहाँ पे आइसोमेरिन को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। केमिकल काइनेटिक्स हम इसके बाद में पढ़ेंगे। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर यहाँ पे आइसोमेरिन। सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि इस चैप्टर का नाम आइसोमेरिन क्यों रखा गया। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, आइसो आइसो का मतलब क्या होता है? समान। यहाँ पे आइसो का मतलब समान होता है और इसको हिंदी में बोला जाता है समवयवता। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन देखिए, जिससे आपको ये पता लगेगा कि इसका नाम आइसोमेरिन क्यों रखा गया। तो डेफिनेशन है हमारी यहाँ पे, एग्जिस्टेंस ऑफ मोलिक्यूल्स विद आइडेंटिकल मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज आइसोमेरिन। यानी कि यहाँ पे आइडेंटिकल मोलिकुलर फॉर्मूला होता है बट उनकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिफरेंट होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? आइसोमेरिन बोलते हैं। प्रॉपर्टी डिफरेंट क्या होगी? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ पे पोलराइजेशन, आप ले लीजिए यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, तब आप यहाँ पे 2D में स्ट्रक्चर अलग होगा, 3D में स्ट्रक्चर अलग होगा। ऐसी और भी कई सारी बातें हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर बिल्कुल अच्छे से जानेंगे। इसीलिए इस चैप्टर का नाम आइसोमेरिन रखा गया, क्योंकि यहाँ पे मोलिकुलर फॉर्मूला तो आइडेंटिकल होगा लेकिन वहां पे प्रॉपर्टीज क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि आइसो और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि मेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म समवयवता इस चैप्टर का नाम इसीलिए रखा गया है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा कि चैप्टर का नाम आइसोमेरिज्म क्यों रखा। और अभी हम इस चैप्टर में ओनली आइसोमेरिज्म में डिस्कशन करेंगे, तो आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा कि चैप्टर का नाम आइसोमेरिज्म क्यों रखा। अब हम इसको एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। तो देखिए, मैंने एग्जांपल लिया यहां पे ब्यूटेन। बताइए यहां पे देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन दोनों का सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे क्या है? C4H10, C4H10। आप इसका भी देख सकते हो, यहाँ पे C4H10 है, यहाँ पे CH3 है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम, मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C4H10, C4H10। बट आप देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो मैंने आपसे यही बोला था कि आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बट प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिफरेंट होगी। तो आप देख सकते हो, यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है इसका नाम है ब्यूटेन, और यहाँ पे जो मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है इसका नाम है आइसोब्यूटेन। मैंने देखिए आपको IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ा दिया। अगर आपने अभी तक उसको नहीं पढ़ा तो प्लीज आप जाइए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। मैंने वहां पे आपको ये सब नोमेनक्लेचर करना सिखा दिया, ठीक है। इसका बताइए IUPAC नाम क्या होगा? इसका इसका IUPAC नाम होगा आपका 2-मिथाइल प्रोपेन। तीन कार्बन की चेन सेलेक्ट करेंगे, 2 पे मिथाइल है तो 2-मिथाइल प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। तो प्लीज आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखिए अगर आप पे IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं आता तो आप सोच लीजिए आप पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आने वाली। मैं इसीलिए मैंने पहले बेसिक से स्टार्ट किया था, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था पढ़ाना। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपके भले के लिए कर रहा हूँ। अगर आप मेरे वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो सबसे पहले तो आप सिक्वेंस में देखो, बिल्कुल IUPAC से आपको स्टार्ट करना है। तो जाइए IUPAC पहले देखिए, जिसके बाद में आइसोमेरिन पढ़ना। और अगर आप पे IUPAC आता है तो फिर आप सीधा आइसोमेरिन से स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो अब हम यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि आइसोमर्स आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। जो आइसोमर्स होते हैं वो यहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये लाइन मैंने क्यों लिखी, थोड़ी देर बाद आपको समझ आ जाएगी जब हम क्वेश्चन करेंगे। हम कई सारे क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ये चैप्टर एक लेंथी चैप्टर, हमको इसमें टाइम लगने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। कम से कम हम यहाँ पे 200 से 250 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये एवरेज बताया मैंने आपको, 200 क्वेश्चन के समथिंग एवरेज जाएगा हमारा। 200 क्वेश्चन के समथिंग हम यहाँ पे आइसोमेरिज में क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। तो अब आप देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ आइसोमर्स। आइसोमर्स के यहाँ पे टोटल 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट आपका यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमर, सेकंड आपका यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर। देखिए इन दोनों का यहाँ पे एक एक नाम और होता है, और आपको इन दोनों नामों को ध्यान रखना है, दोनों नामों को याद रखना है, क्योंकि कभी भी किसी भी नाम पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे दोनों नामों पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है इसका नाम होता है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, और जो स्टीरियो आइसोमर होता है इसका सेकेंड नाम होता है वो होता है कॉन्फिगुरेशन आइसोमर। तो आपको इन दोनों नामों को याद रखना है। तो अब हम देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। तो आप देखिए, जो स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आइडेंटिकल होगा बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा? डिफरेंट होगा। मैंने थोड़ी देर पहले अभी अभी आपको ब्यूटेन का एग्जाम्पल लेके बताया था ना, वहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम था बट वहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने क्या थे? अलग अलग बनाए थे। तो वो किसका एग्जाम्पल था? वो स्ट्रक्चरल आइसोमर का एग्जाम्पल था। अब देखिए ऐसे स्टीरियो आइसोमर, इसमें क्या होगा? इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, इसमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये भी सेम होगा। तो भाई आप बोलोगे कि यहाँ पर डिफरेंट क्या होगा?
यहाँ पे डिफरेंट होगा, वो होगा डिफरेंट लोकेशन ऑफ एटम्स। यहाँ पे एटम्स की जो लोकेशन होगी वो यहाँ पे डिफरेंट होगी, किसमें, स्पेस में, स्पेस यानी कि 3D में। यहाँ पे 3D में मैं आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा। तो यहाँ पे क्या है कि लोकेशन अलग अलग होती है, जब हम एटम को सेट करेंगे तो वहाँ पे वो अलग अलग तरीके से सेट होंगे, तो मैं आपको वो सब करना सिखाऊंगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे इनके एग्जांपल। जो स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं इसके यहाँ पे टोटल 6 टाइप होते हैं, और स्टीरियो आइसोमर के यहाँ पे टोटल 3 टाइप होते हैं। अब मैं आपको एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि ये वाला टॉपिक यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यही आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। जब आप आइसोमेरिंग पढ़ो तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको इसी चैप जो ये वाला टॉपिक है इसी टॉपिक पे करना है, स्टीरियो आइसोमर। इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिविम समवैवता, इसको बोलते हैं संरचनात्मक समवैवता। इसके यहाँ पर टोटल 6 एग्जाम्पल है, इसके यहाँ पर टोटल 3 एग्जाम्पल है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, अब तक हम देखें तो 90% क्वेश्चन एग्जाम के अंदर स्टीरियो आइसोमर से पूछा जाता है। अप्रोक्स 80 से 90, 90 नहीं, 80 से 90 के बीच में यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके 3 एग्जाम्पल क्या है और इसके 6 एग्जाम्पल क्या है, 6 एग्जाम्पल, इनको हम एक बार अच्छे से देख लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे नाम बोल रहा हूँ, आप अभी लिखना मत, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे आगे चल के मैं लिखूंगा। तो यहाँ पे जो 6 एग्जाम्पल है इनके नाम है, फर्स्ट आपका यहाँ पे चेन आइसोमेरिज्म, सेकंड है यहाँ पे पोजीशन आइसोमेरिज्म, थर्ड है यहाँ पे फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फोर्थ है यहाँ पे मेटामर, फिफ्थ है यहाँ पे रिंग चेन आइसोमेरिज्म, और 6 नंबर की है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है टोटोमेरिज्म, चलवैवता। इन 6 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है चलवैवता पे। मैं आपको देखिए एक एक चीज बता रहा हूँ, तो आपको उन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है रिविजन के टाइम पे जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। ऐसे ही इसके 3 एग्जाम्पल है यहाँ पे। फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे इसका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो कि सबसे पहले हम जब हम नया लेक्चर आएगा, इसके अगला लेक्चर आएगा उसमें हम सीधा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से ही स्टार्ट करेंगे चैप्टर को, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है पूरे चैप्टर में। सेकंड है यहाँ पे कन्फर्मर्स, और थर्ड आपके यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड नंबर की ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसमें 6 नंबर की ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूंगा। आज के लेक्चर में मुझे आपको ओनली इंट्रोडक्शन देना था, जो कि लगभग मैंने दे दिया। अभी हमारी कोई और कुछ बातें बची हुई है, उनको आप हम देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि भैया नीट में कितने क्वेश्चन आते हैं, एम्स में कितने क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, और जेई में कितने क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए यार, नीट में एवरेज एक क्वेश्चन तो हर साल आता ही आता है, वो तो फिक्स है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो 3 सालों में, जैसे कि अभी पिछले 3 सालों की बात करूँ, तो यहाँ पे 3 सालों में एक बार यहाँ पे 2 क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, बट एवरेज यहाँ से एक क्वेश्चन जाता है। और अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन आने का चांस है, क्योंकि इस बार भी अभी आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा एक ही क्वेश्चन आया था, इसके पिछली बार भी एक ही क्वेश्चन आया था। तो अब चांस है कि यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाए। तो मैंने इसीलिए इस चैप्टर को स्टार्ट किया, एक तो आपकी डिमांड थी और मुझे पता था इस चैप्टर से इस बार 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैंने इसको स्टार्ट किया। जेई में यहाँ से हमेशा 2 क्वेश्चन आते हैं, जेई के अंदर, जेई मेंस के अंदर यहाँ पे हमेशा 2 क्वेश्चन आते हैं, और एम्स में तो हमेशा 1 क्वेश्चन आता ही आता है। यानी कि 1 क्वेश्चन यहाँ से हमेशा फिक्स आएगा। चैप्टर इजी है, बस है लेंथी, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर मैं बात करूँ स्टीरियो आइसोमर है, इसमें मेरे को कम से कम इसमें मेरे को 13 लेक्चर चाहिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। इसके अंदर जीआई है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समवैवता। इसके लिए मेरे को ओनली मिनिमम यहाँ पे मेरे को 7 लेक्चर चाहिए, क्योंकि मैं आपको कम से कम 200 से 250 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो मेरे को बहुत टाइम लगेगा। तो मैं आपको कम से कम 6 से 7 लेक्चर में जीआई कंप्लीट करके दूंगा। इसी तरीके से आपको मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वो आपको मैं 5 से 6 लेक्चर में कंप्लीट करके दूंगा। बाकी स्ट्रक्चर ये बिल्कुल ईजी है, ये मैं 3 लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में जो हमको एक्स्ट्रा बिल्कुल डीपली जाके डिस्कशन करनी पड़ेगी, तो मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। बस आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आप अगर मेरे लेक्चर देख रहे हो, अगर आप मेरे चैनल पे कंटिन्यू हो, तो प्लीज़ आप सिक्वेंस से देखा करिए, बस लेक्चर नंबर 1 से देखना है आपको, तभी जाके सारी चीज़ समझ आएगी, क्योंकि मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। तो आज का लेक्चर तो हम यहाँ पे इसको एंड करते हैं, और नया लेक्चर आएगा उसमें अब हम यहाँ पे सीधा स्टीरियो आइसोमर से स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।